दिल्ली में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान का भड़काऊ बयान सामने आया है। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान का एक बेहद भड़काऊ बयान सामने आया है जो उन्होंने मीडिया को दिया है। इस बयान में वो क्या कह रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। इस बयान में अमानतुल्ला खान कह रहे हैं कि अगर पक्षपात होते रहेंगे, मुसलमानों के साथ ज्यादती होती रहेगी तो दंगे भी होते रहेंगे। इन्होंने इस बयान को देते हुए ये बात कहीं ना कहीं साफ कर दी है कि ये बयान ना होकर एक धमकी है, और जो दिल्ली में पहले हिंसा हुई, दिल्ली में जितने दंगे हुए, मारकाट हुई, कहीं ना कहीं उसमें इनका हाथ है। ये जनप्रतिनिधि ऐसा बयान दे रहे हैं जो बयान ना होकर एक धमकी है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के दंगों को मुसलमानों पर लादने की कोशिश हो रही है, ताहिर हुसैन पर लादने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में इतनी मुश्किल से दंगे अभी शांत हुए हैं, लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ रही है, और एक बार फिर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सामने आकर ये बड़े बड़े भड़काऊ बयान दे रहे हैं। क्या इन बयानों के बाद लोग फिर से हिंसा की तरफ नहीं मुड़ जाएंगे? क्या इन बयानों के बाद लोग एक बार फिर लड़ाई पर नहीं उतर आएंगे? एक बार फिर से लोगों को भड़काऊ बयान देने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद, पहले ताहिर हुसैन और अब विधायक अमानतुल्ला खान, और इसके बाद भी केजरीवाल अभी तक चुप्पी साधकर कोने में बैठे हुए हैं। ये लोगों को उकसा रहे हैं और खासकर मुसलमानों का नाम लेकर लोगों को उकसा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। क्या ये एक ऐसे विधायक से उम्मीद की जा सकती है? और इसके बाद भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो शांति से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का भी इन दंगों में हाथ है, इन लोगों को वो समर्थन जो है दे रहे हैं। ये आपने बयान में कह रही हैं कि दिल्ली हिंसा का जो भी हुआ ताहिर हुसैन पर लादने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, फिलहाल अभी पार्टी से सस्पेंड हो चुके हैं, उनके ऊपर दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप चल रहा है। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अंकित शर्मा की हत्या का जो आरोप है ताहिर हुसैन पर लगा हुआ है, और ये बात पुलिस के बयान के बाद सामने आई थी। इससे पहले और इसके बाद जो है दिल्ली के CM यानी कि अरविंद केजरीवाल, इसके बाद भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, कोई बयान उन्होंने सामने आकर नहीं दिया है। फिर कुछ समय बाद यानी कुछ समय पहले पुलिस ने एक बयान दिया है कि ये जो सारी बातें थी वो सच नहीं थी, मीडिया ने गलत तरीके से दिखाई हैं। इससे आप सरकार और पुलिस से कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिसके घर की छत पर सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल बम मिले थे, एसिड मिले थे, पत्थर गुलेल मिले थे, और कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जिनसे ये साफ साबित होता है कि ताहिर हुसैन की छत से कई लोग जो वहां पर जमा थे उन्होंने हिंसा फैलाई है, आगजनी की है, तोड़फोड़ करी है। इसके बाद भी पुलिस ये कहती है कि ये सब झूठ है। अब आप पार्टी के विधायक का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, और अब जब हिंसा की आग जो है वो बुझ रही है, जिंदगी पहले से आसान हो गई है, शांत हो गई है, दिल्ली में शांति है, ऐसे में इस तरह के भड़काऊ बयान फिर से आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने दे दिया है, और मुख्यमंत्री अभी भी चुप हैं। इस धमकी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ इस बारे में बात वो खुलकर सामने आके नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमानतुल्ला की तरफ से ऐसा भड़काऊ बयान पहली बार नहीं आया है, ऐसे पहले भी वो भड़काऊ बयान दे चुके हैं, ट्वीट्स कर चुके हैं। एक विधायक से इस तरह के बयानों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। वो इस तरह से जो बयान दे रहे हैं कि वो इस तरह से बयान देंगे, आपको बता दें अमानतुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर हिंसा लादी जा रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। पुलिस धर्म देखकर कभी भी कार्यवाही नहीं करती है, पुलिस ने धर्म के आधार पर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। इस हिंसा में जो जो लोग शामिल थे, जिसका हाथ इस हिंसा में था, सबको पुलिस ने हिरासत में लिया है, सब पर कार्यवाही हो रही है। आपको बता दें इससे पहले भी भड़काऊ ट्वीट्स जो हैं अमानतुल्ला खान कर चुके हैं, बयान से लेकर धमकी तक वो खुलकर सामने आकर कह चुके हैं। आखिर कब तक आम आदमी पार्टी चुप्पी साध कर बैठी रहेगी और बार बार आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग सामने आकर ये भड़काऊ बयान और बातें रखते रहेंगे? खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।
ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।